फंगस, इन्हें हम ब्रेड पर, ऑरेंजेस पर और कई सड़ती गलती चीजों पर ग्रो होते देखते हैं। ग्रो करते समय ये ब्रेड के ऊपर एक सफेद कॉटन फाइबर जैसा दिखाई देते हैं, जिन्हें माइसेलियम कहा जाता है। ये इनफिलामेंटस हाइफी से बने होते हैं, जो एक मल्टीन्यूक्लिएटेड ब्रांच्ड साइटोप्लाज्म है, जिसे सीनोसाइट भी कहा जाता है या एसेप्टेट। लेकिन कुछ में क्रॉस वॉल, जिन्हें सेप्टा कहा जाता है, जबकि ये यीस्ट यूनिसेलुलर है। ब्रेड पर ये ग्रो करने वाली फंगस एक खास तरह के वर्टिकल हाइफी स्पोरेंजियोफोर बनाती है, जिसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। जबकि ये एक फंगस एक एग शेप के ज़ूस्पोरेंजियम बनाती है, जिनमें से ये मोटाइल ज़ूस्पोर बाहर आ रहे हैं। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय लाखों सैनिकों की जान बचाई, एक फंगस पेनिसिलियम से प्रोड्यूस होता है। ये फंगस इन कॉनिडिया की मदद से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। मशरूम जैसी कई प्रजातियों के ये फ्रूटिंग बॉडी, इन सभी का मेन बॉडी अंडरग्राउंड रहता है। ये ब्राइटली कलर्ड एक जहरीला हेलुसिनोजेनिक मशरूम अमेनिटा है। लेकिन कुछ फंगस जैसे ये हनीकॉम जैसा मॉर्शेला या मोरेल्स एक एडिबल फंगस है। इनको ग्रो नहीं किया जा सकता, बल्कि जंगलों में इन्हें खोजा जाता है। और ऐसा ही एक बेशकीमती फंगस ये ट्रफल है। बाजार में इसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। ये ब्रैकेट फंगाई और ये पफ बॉल्स, कुछ फंगस तो प्लांट में बीमारियां करते हैं, जैसे कि सरसों में ये व्हाइट रस्ट करने वाला एल्ब्यूगो। या फिर ये रस्ट ऑफ वीट, या ये ब्लैक कलर्ड स्मट ऑफ वीट। शुगर केन में ये रेड रॉट डिजीज और आलू में ये ब्लाइट डिजीज। इन तिब्बतन पहाड़ों पर कुछ लोग एक खास तरह के बेहद कीमती फंगस की खोज कर रहे हैं। ये है कैटरपिलर। इसका चाइनीज मेडिसिन में भारी डिमांड है और अभी इस भारत में इसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है। ये एक अनोखी चींटी जो फंगस की खेती करती है। ये लीव्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, परंतु इन्हीं लीव्स से ये फंगस को पालती है, जिसके बाद ये फंगस को अपना भोजन बनाती है। लाइकेंस, ये पेड़ों पर, इन पत्थरों पर और रंग बिरंगे तरह तरह के एल्गी और फंगस का सिंबायोटिक एसोसिएशन है। लिटमस डाई, जो कि पीएच इंडिकेटर होता है, में भी काफी समय तक प्रयोग किया गया था। लाइकेन एक प्राइमरी कॉलोनाइजर होते हैं। जहाँ पे कुछ नहीं ग्रो करता, वहाँ सबसे पहले लाइकेन ग्रो कर जाते हैं। खास तौर पे बर्फीले पहाड़ों पर ये लाइकेन्स ही केवल प्रमुख भोजन होते हैं इन रेनडियर्स का।